अज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम का प्लीज़ जवाब दिया करें। 70 बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं और मेरे घर वालों को। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि स्पिरिचुअल कॉशेंट क्या होता है, बड़ा मशहूर हो रहा है। स्पिरिचुअल कॉशेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये वूका में VUCA में बहुत काम आता है। वी माने वोलेटाइल, यू माने अनसर्टेन, सी माने कॉम्प्लेक्स और ए माने एम्बिगुअस एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो वोलेटाइल हो, अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो और एम्बिगुअस एनवायरनमेंट हो, से वूका एनवायरनमेंट में बहुत काम आता है। SQ माने स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट ये होता है कि जब हम अपना इंटरेस्ट जो है वो एक तरफ रखें, पीछे रखें और दूसरों का इंटरेस्ट का ज़्यादा ख्याल रखें। एक लीडर के अंदर तो ये होना चाहिए स्पिरिचुअल कॉन्शेंट, और इसमें बड़ा ट्रस्ट का फिज़ा जो होती है इसमें पैदा होती है। इसकी फंडामेंटल जो है वो यह है, ट्रस्ट है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने इंटरेस्ट को एक तरफ रख रहे हैं, हम दूसरे के इंटरेस्ट को अहमियत दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको ये कंपनी के नाम सुना होगा आपने, फोर्ड अमेरिकन कंपनी है, नाइक कंपनी सुने, बोइंग आपने नाम सुना होगा, विप्रो नाम सुना होगा और डबर DABUR। इन कंपनी में तो स्पिरिचुअल कॉन्शेंट उन्होंने पार्ट बना दिया है अपनी सक्सेस का और अपनी उसका SOP का, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स का। तो इन शॉर्ट ये है कि इसमें ट्रस्ट फाउंडेशन है, इसकी ट्रस्ट है और एतमाद बहुत है एक दूसरे के ऊपर, बॉस के ऊपर एम्प्लॉइज़ को एतमाद है और बॉस अपने इंटरेस्ट को एक तरफ रख के सबके इंटरेस्ट को देख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्पिरिचुअल कॉन्शेंट कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा है।